हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे तगार, जिसको कि नॉर्मली बूरा भी कहा जाता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सिर्फ तीन चीज़ों से ये हमारा बूरा तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी, 150 ml हमने यहाँ पानी लिया है, अगर कप में देखें तो 2/3 कप पानी है, और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ देसी घी लिया है। तो चलिए तगार बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 कप चीनी, 2/3 कप पानी, 150। अब इसको हम चीनी को पिघलने तक पकाएंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अभी हम इसको और पकाएंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। आप इसी तरह चलाते रहें और साइडों से उतारते रहें ताकि साइडों में चिपके ना चीनी। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अगर आप साइडों में से नहीं उतारेंगे तो ये साइडों में चिपक जाएगा। इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है गाढ़ा होने तक। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी बबल्स ये छोटे हैं। जैसे जैसे ये पकेगा और गाढ़ा होगा तो बबल्स बड़े हो जाएंगे और जो पानी हमने डाला था वो सारा उड़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिश्रण गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे देसी घी। इसको हिलाएंगे। देसी घी डालने से ये होता है जो हमारा तगार बनेगा वो खिला खिला बनेगा। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए तगार बनना हमारा शुरू हो गया है और कितना खिला खिला बन रहा है। जो हमारी गुठलियां होंगी उसे हम साथ के साथ दबाते रहेंगे। वैसे गुठलियां पड़ नहीं रही हैं, सही बना है। इसको ठंडा होने तक हम ऐसे ही करेंगे। आप चाहे तो गैस से उतार सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम उतार ही लेते हैं। देखिए कितना अच्छा तगार बना है हमारा पूरा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी तगार कितनी खिली खिली तैयार हुई है।
तो है ना फ्रेंड्स, घर में तगार यानी बुरा बनाने का कितना अच्छा तरीका। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तगार बनी है, बुरा बना है। इसे ट्राई जरूर करें और मुझे रिप्लाई जरूर करें कि आपकी तगार कैसी बनी है। अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।